हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के बोर्ड के पांच क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे देख रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन स्टूडेंट ए टेक अ फूड फॉर 20 डेज एंड सी हैज टू पे 1000 एज अ हॉस्टल चार्ज, वेयर एज द स्टूडेंट बी वुड टेक द फूड 26 डे एंड पे 1180 इज अ हॉस्टल चार्ज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ओके, आपको फाइंड आउट जो करना है वो पहले क्या करना है, कंसिडर करने का। तो हमें क्या हॉस्टल फी और फिक्स चार्ज और हॉस्टल फी दोनों चीज फाइंड आउट करनी है। नाउ तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कंसिडर फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹1 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू ₹y। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, फिक्स चार्ज प्लस नंबर ऑफ डे इनटू कॉस्ट ऑफ फूड पर डे टोटल चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज। तो फिक्स चार्ज केस वन के लिए फॉर स्टूडेंट ए एक्स फिक्स चार्ज है नंबर ऑफ डे 20 और पर फूड कॉस्ट पर कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू कितना हुआ उसका ₹1000 उसकी फीस हुई। और स्टूडेंट बी के लिए ओके इसके इक्वेशन वन कह दो, स्टूडेंट बी के लिए एक्स प्लस फिक्स चार्ज एक्स कितने दिन उसने मेस में खाना खाया 26 डे इंटू वाई इज इक्वल टू 1180 इक्वेशन टू। नाउ इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन करो तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फॉर इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स एक्स को सेम है तो वो कट हो जाएगी। तो इसे लिखते हैं एक्स प्लस 26 वाई इज इक्वल टू 1180 और यहाँ पे एक्स प्लस 20 वाई इज इक्वल टू 000। सब्ट्रैक्शन करना है और साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। एक्स माइनस एक्स कट हो गया, 26 माइनस 20 करोगे तो कितना होगा 6y मिलेगा और यहाँ पे 1180 माइनस 1000 करोगे तो 1180 सो y इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 6 करो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा ₹40 मिलेगा। तो कॉस्ट फॉर मेस इज इक्वल टू 30 है फ्रॉम इक्वेशन वन। एक्स प्लस 20 ब्रैकेट में 30 इज इक्वल टू 1000 तो एक्स 20 इंटू 30 होगा तो कितना होगा 600 इज इक्वल टू 1100 सामने की साइड आएगा तो एक्स इज इक्वल टू 1000 माइनस 600 एक्स इज इक्वल टू 400। नाउ फिक्स चार्ज सो फिक्स हॉस्टल चार्ज इक्वल टू 400 एंड
ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू 30 रुपीज। ओके, थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोज। आपको सॉल्यूशन कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। थैंक यू स्टूडेंट।